श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जो अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी पार्टी जनता दल यू इस बिल के समर्थन में है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। आज इस अवसर पर जो इस देश में आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया है और हमारे जो पुरखे इसमें अहम भूमिका निभाए हैं, उनके बारे में भी मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बाबा साहब का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने शुरू में ही जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करें, आज हम उनको याद करते हैं। दूसरा पड़ाव जब आया, जब पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह साहब थे, तो जो पिछड़ा वर्ग है उनको सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण मिला। और तीसरा पड़ाव आज बहुत महत्वपूर्ण आया है, जहाँ की जब आज इस देश में जो हमारे जिसको पहले हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी कहते थे, अगड़ी जाति कहते थे, उनके भी गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। तो ये बहुत ही अहम बात है कि आज जो इस आरक्षण की व्यवस्था किया गया है जो हमारी अगड़ी जातियों के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उसका पूरा का पूरा श्रेय इस सरकार को जाता है। इसके लिए मैं सरकार के नेता आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो पिछड़ों के लिए आरक्षण हुआ था उस समय भी जो नेतृत्व किया था वो आदरणीय स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था, उनको भी हम लोग याद करते हैं। ये हम लोग इसलिए इसका समर्थन कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की जो सोच है और हमारी पार्टी जो काम कर रही है बिहार में, उसको मैं आपके सामने दो मिनट में रखना चाहूँगा कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा जो पूरा का पूरा जो ये मॉडल है विकास का, ये न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, इसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। और बिहार में आपको मैं बता दूं, अभी चर्चा कर रहे थे सब लोग कि साहब हमने 50% आरक्षण दिया महिला आरक्षण का जितने स्थानीय निकाय है। बिहार पहला प्रदेश इस देश में है जहां की ये लागू किया गया था और 3 चुनाव हम लोग करा चुके हैं, उसके बाद ही किसी ने लागू किया इसको। इसके साथ ही बिहार पहला प्रदेश है जहाँ की हम लोगों ने जो हमारे, चूंकि हमारा समावेशी विकास का हमारा कंसेप्ट था, न्याय के साथ का विकास का था, जो हमारे अगले श्रेणी के जो हमारे जितने भी लोग थे उनके विकास के लिए हम लोगों ने सवर्ण आयोग की भी वहाँ स्थापना की थी। हम लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भी आयोग बनाया था, महादलित दलित के लिए भी हम लोगों ने आयोग बनाया था, लेकिन हम लोगों ने जो सवर्ण वर्ग है उसके लिए भी आयोग बनाया था, उनकी संस्तुतियाँ आई और उस पर हमारी सरकार ने कार्रवाई की। बिहार पहला प्रदेश होगा जहां मैं बता दूं कि आज की तारीख में अगर आप देखिएगा हमारा 7 निश्चय का प्रोग्राम है, उस निश्चय को अगर आप देखिएगा सब बहुत अपने आप में बड़ा भारी चेंज का उसमें है। उसमें भी हम लोगों ने कहीं भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं रखा। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगा। हमारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्कीम है, 4 लाख रुपये हम लोग 12वीं कक्षा के ऊपर के जितने हमारे छात्र छात्राएं पढ़ने जाती हैं, बिना किसी का जात धर्म दिए देखे हुए हम लोग सबको देते हैं। हर एक घर में नल का जल हम लोग सबको देते हैं। हर एक गांव को जोड़ना, टोले को जोड़ना, सबको हम लोग देते हैं। ये जितनी भी हमारी इस तरह की स्कीम है, हम सारे लोगों को, बच्चे बच्चियों जो हमारे बच्चे 9th क्लास में जाते हैं, सबको हम लोग साइकिल देते हैं। किसी जात धर्म का हम लोग उसमें नहीं देखते हैं, किसी इनकम ग्रुप का हम लोग उसमें नहीं देखते हैं। पोशाक की योजना देते हैं हम आज, एक कन्या सुरक्षा हमारी जो स्कीम है उसमें भी अगर आप देखिए हमारा, तो हम 54,100 रुपया देते हैं। इसमें कहीं कोई जात धर्म का नहीं है। हमारी सोच ये कि सब लोगों को साथ लेकर के चला जाए। तो ये आज एक बहुत बड़ा निर्णय है जहाँ की हम आप पहली बार, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है कि आज जो निर्णय हो रहा है इसका बहुत आगे जा करके अच्छा परिणाम आने वाला है। बहुत सारे हमारे साथी कह रहे थे कि साहब कोई नौकरी नहीं है, और जो अभी तो हमारे अपना डेरिक साहब ने कह दिया 0। मैं तो बता दूं, उनको पता होना चाहिए, बाकी सर्विसेज को तो छोड़ दीजिए, जो सिविल सर्विसेज होती है उसी में 1000 नियुक्ति हर एक साल होती है, उसको 0 कैसे कर रहे हैं। चीजों को देखने की चीज है ये। पूरा का पूरा जो रिजर्वेशन से, आप ये मत समझिए कि पूरा का पूरा जो बेरोजगारी की समस्या उसका समाधान होगा, ये सोच की बात है
लोगों को लगता है समाज के जो हमारे अगले समाज के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको एक परसीव्ड जो उनका एक नोशन था कि हमारे साथ अन्याय होता है, हमको जान बूझ करके इस दायरे से अलग रखा जाता है। एक उनको लगता था कि हमारा सेंस ऑफ डिप्राइवेशन है। तो ये सिर्फ जितना हम जॉब की बात क्यों कर रहे हैं, एक सोच की भी बात है। कम से कम अभी पूरे के पूरे समाज में पहली बार, पहले क्या होता था, कह रहे साहब ये तो कोटा वाले हैं, ये तो साहब जनरल वाले हैं, तरह तरह का स्टिग्मा लगाया जाता था। और आज कम से कम ये सबका हो जाएगा। तो पहली बार इस देश में जो आरक्षण है वो यूनिवर्सल हुआ है, ये सेक्शनल नहीं है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो कह रहे थे हमारे राम गोपाल जी, आज तक जो पूरा का पूरा ये 50% जो 49.5 रिजर्वेशन है, 50% का बैरियर था, आप इतने साल सत्ता में रहे क्यों कभी आपने हिम्मत नहीं की इस तरह का अमेंडमेंट लाने की। हमारे राम गोपाल जी ठीक कह रहे थे कि जहां 54% आबादी थी 27% पर क्यों रुका था, क्योंकि संविधान में था कि आप 50 से ज्यादा नहीं कर सकते, आपको अवसर था, आप करते। आप देखे ना, अभी बता रहे थे हमारे तमिलनाडु के साथी 69% था, तो आपको तो अवसर मिला, आपने नहीं किया। और जब अवसर आप जब ये कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि साहब ये हड़बड़ी में कर रहे हैं। अरे देर ही आए तो दुरुस्त आए हैं, जान लीजिए। पूरा का पूरा संविधान का संशोधन है और संशोधन करके आए हैं। जो आपने एक बार कोशिश किया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो नहीं है, इसलिए इसमें दम है और ये स्टैंड करेगा, ये बहुत जरूरी है इसके लिए। और इसके ये एक चीज और जरा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ये देखिए आज की तारीख में कि पूरा का पूरा जो आज हमारे यहाँ रिजर्वेशन के बारे में सोच अभी हमारे राम गोपाल जी कह रहे थे, इस बात को इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि मैं सर्विसेज में था, मैं जानता हूं। देख रहे थे ना कि सेक्रेटरी लेवल में ऑफिसर्स नहीं है SC ST OBC के, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल में नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि पहली बार तो आरक्षण ही उनके लिए जो ओबीसी के लिए है वो आया आपको जाकर के 94-95 में, तभी तो 96 के बाद से आए हैं, तो 25 साल के बाद एडिशनल सेक्रेटरी बनेंगे। जैसे हम ही IAS में आए तो हम तो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आए थे, हम तो जनरल में आए थे। लेकिन एक बात को देखना बहुत जरूरी है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जब आप अब आगे जब आप नियमावली इसमें बनाएंगे तो एक काम जरूर किया जा सकता, ये जो ओबीसी के लिए भी आरक्षण है उसमें भी आप देखिए क्रीमी लेयर है, 8 लाख आपने कर दिया है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि अरे साहब 8 लाख, आप जरा सोचिए जब 8 लाख ओबीसी को दिया हुआ है तो 8 ही लाख रखा है तो अच्छा रखा है। लेकिन मैं जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं कि ये जितने हमारे जो ओबीसी के लड़के बच्चे बच्चियां हैं या जो हमारे अपर कास्ट में जो भी बच जाएंगे, उसमें क्या होता है कि अब UPSC में परीक्षा देनी है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिलता, 30 साल आपकी उम्र है। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलता है, आप SC ST में हैं तो आपको और एडिशनल मिलता है। रिजल्ट ये होता है कि अगर आप देखिएगा कि 21 साल से लेकर करके 40 साल तक के बच्चे कम्पीट करते हैं। तो कोई बच्चा अगर 40 साल में किया तो सेक्रेटरी कहाँ से बन पाए, कोई बच्चा 21 साल से कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो हमारे जनरल कास्ट के भी बच्चे हैं या हमारे जो ओबीसी कास्ट के बच्चे हैं जो क्रीमी लेयर के ऊपर जो आते हैं, उनको लगता है कि साहब हमको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, इससे इस बिल से मतलब नहीं है, लेकिन इस पर जरूर ध्यान दिया जाए कि आगे अटेम्प्ट्स में कोई आप सीमा मत रखिए। आरक्षण तो आप दे ही रहे हैं लोगों को, लेकिन सीमा नहीं रखिएगा। तो जिन बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता है उनको भी एक परसिव जो सेंस होता है कि हमारे साथ अन्याय होता वो नहीं होगा। इससे एक अच्छा लोगों को अवसर मिलेगा, सब लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, ये आपको जरूर करना चाहिए। इससे हम लोगों को जो हमारे और बच्चे जो रह जाते हैं जनरल कैटेगरी में और ओबीसी में जिनके पास मेरिट है वो भी इसमें आकर के जरूर काम करें। इसके साथ ही साथ एक और बहुत जरूरी है वो ये है कि देखिए अभी हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि साहब रिजर्वेशन में कह रहे थे राम गोपाल जी, इस पॉइंट को भी समझना जरूरी है कि साहब 49.5% रिजर्वेशन है, 50% ओपन है। आज होता क्या है, बहुत सारे बच्चे इस बारे में कहते हैं कि साहब मैं तो रिजर्व कैटेगरी में हूं, मुझे मेरिट में ज्यादा नंबर आया हुआ है लेकिन हमको रिजर्वेशन का फायदा नहीं हो रहा। इसमें देखिए आज की तारीख में जो यहाँ नियम है उसमें बहुत स्पष्ट है कि अगर आरक्षण के चलते आपने उम्र का फायदा लिया है, आपने जो है कहीं पर अटेम्प्ट का फायदा लिया है, और कई परीक्षाओं में जहां नंबर की बात होती है, जैसे मैं बता दूं UPSC में अगर प्रीलिम्स की परीक्षा होती है IAS की परीक्षा में और किसी बच्चे को जनरल बच्चा जो OBC का हमारा बच्चा है उसकी उम्र भी अगर 22 साल है और उसने जो है
आप समझिए कि अगर जनरल में लड़के का 122 नंबर पर उसका कट ऑफ है और उसको 121 नंबर आया और उसका लाभ उसको मिल गया, तो वो लड़का फिर भी हमारा जाता है, वो जो है जो हमारा रिजर्व कैटेगरी है उसी में। तो इसके चलते होता क्या है कि एक भी फायदा हम ले लेते हैं तो हम जब रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उस बच्चे के मन में बात आती है कि मेरिट में ज्यादा नंबर रहते हुए भी हमको फायदा नहीं मिला, इसको भी लोगों के बीच बताना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको भी दूर करना चाहिए। और ये जो अभी जो है 60% हमारा, जब 59.5 इसके बाद जब हो जाएगा तो जो भी हमारा बचा रहेगा 41.5 हमारा रिजर्वेशन का, तो उसमें इस बात को बहुत ही स्पष्ट प्लीज कंक्लूड कीजिए, टाइम हो रहा है दोस्तों, दो मिनट एक मिनट है इसलिए हाँ, बता रहे हैं आपको। देखिए इस चीज को बता देना बहुत जरूरी, आप जब बता रहे थे एक मिनट में, लेकिन दो बात मैं कहकर रखूंगा। अभी जो संविधान में जो संशोधन आया उसने आपने ठीक किया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी रखा है, तो मैं चाहूंगा कि जो सरकारी नौकरियों में है उसमें भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लाएं, जो निजी क्षेत्र है उसमें भी आरक्षण का लाभ, ये हमारे जो 59.5 अब रिजर्वेशन होगा उन सब लोगों को मिले। चूंकि याद रखिए आप लोगों के समय में ही जब यहाँ पर 91 के बाद ये पूरा का पूरा जो एरा चला लिबरेशन का, तो सरकारी नौकरियों में काफी कमी आई और उसी के चलते अब सब जगह आउटसोर्सिंग भी हो रहा है। तो अगर जब तक आउटसोर्सिंग में और खास करके जो प्राइवेट सेक्टर में अगर इस तरह का जो हमारा अभी आरक्षण कर रहे हैं 59.5 का वो नहीं करेंगे तो लोगों को लाभ नहीं मिलेगा इस करिए। और एक अंतिम बात का अपनी बात खत्म करूंगा, आप सब जगह देख लीजिए आज की तारीख में जो हमारा जुडिशरी है, हमारे पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, सब सर्विस है, लेकिन कई बार पार्लियामेंट में भी चर्चा हुआ, हम लोग भी कई बार उठाए हैं, आज क्यों नहीं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस स्थापना हो रही है। जैसे ही आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस स्थापना करेंगे इसमें हमारे 59.5 का रिजर्वेशन इसके बाद लागू होगा और इस जुडिशरी में हमारे एससी एसटी के भी, ओबीसी के भी हो और हमारे जनरल बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर हैं वो भी आएंगे, उससे हमारा पूरा का पूरा जुडिशरी उसको भी ताकत मिलेगी और लोगों को लगेगा कि हमारी भी इसमें भागीदारी हो रही। तो मैं इतना कह के अपनी बात इस संकल्प के साथ जरूर समाप्त करना चाहूंगा कि हम लोगों को बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ ये पूरा का पूरा जो आज हम आज रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं उसको लागू करना चाहिए और सब लोगों को हमेशा इस पर सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।